स्टार्टिंग करते हैं हमारे आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल मेरिट्स के बारे में, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो डिटेल्स में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे जो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है फ्यू। जो फ्यू है वो होता है निगेटिव। ठीक है, ये आपका निगेटिव के लिए होता है और मैनी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगभग नहीं। ठीक है, लगभग नहीं। ओके, ये हमने फ्यू के बारे में बात की। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फ्यू हो गया एक निगेटिव है। ठीक है, निगेटिविटी है यहाँ पर और इसका मतलब होता है लगभग नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट। ओके, ये होता है इसका मतलब। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें अगर इसका, सो वी गेट फ्यू हॉलीडेज इन विंटर। ओके, सो फ्यू मतलब लगभग नहीं के बराबर ही यहां पर हमें छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, तो जब भी हम लगभग नहीं के आसपास बात करेंगे तो वहां पर आपका क्या आएगा? फ्यू का यूज होगा। ओके, आप फ्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिविटी, मतलब जो आप फ्यू है आपका वो है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव मतलब होता है कि समथिंग, मतलब कुछ तो है। ठीक है, समथिंग यानी कि कुछ के लिए। ओके, मतलब यहां पर तो हो गया ऑलमोस्ट नहीं, मतलब लगभग नहीं के बराबर, लेकिन जो आप फ्यू है, आप फ्यू का मतलब होता है कि हाँ कुछ है। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि सिर्फ कुछ ही लड़के हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यूज करें, ओनली अ फ्यू। ठीक है, ये जो अ फ्यू है यहां पर देखिए, अ फ्यू बॉयज पास्ड द टेस्ट। ओके, सो अ फ्यू मतलब कुछ तो है, मतलब लगभग नहीं के बराबर नहीं है, बट हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, अब द फ्यू के बारे में बात करते कि द फ्यू है क्या। सो द फ्यू का मतलब होता है यहां पर टू स्टेटमेंट्स को ये बताता है। एक तो यहां पर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट देखते हैं इसमें, ये हम ये कह सकते हैं कि अधिक नहीं परंतु, या जितने भी हैं। ठीक है, दोनों के यहां पर जैसे एग्जाम्पल से इसको समझ में आएगा। सपोज यहां पर मैं लिखूं, ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट ही बोरोड फ्रॉम मी। He lost the few books. ठीक है, इतना ही लिखती हूं मैं। He lost the few books. मतलब उसने जो बुक थी क्या है वो घुमा दी है। ठीक है, तो अधिक नहीं या फिर जितनी भी है, तो यहां पर ये वो बता रहा है कि he lost the few books. उसने बुक को क्या है घुमा दिया है, फिर मतलब गायब कर दिया, मतलब हटा दिया है, घुमा दिया। ठीक है, या फिर इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं द फ्यू का। जैसे द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। ओके, तो द फ्यू का मतलब होता है कि नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि अधिक नहीं है या फिर जितना भी है। ठीक है, तो द फ्यू पोएम्स मतलब उसने जितनी भी पोएम लिखी है, इसका मतलब है कि उसने जितनी भी पोएम लिखी है वो सभी की क्या बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अ फ्यू एंड द फ्यू। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले डिटरमिनेंट्स की। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के लिए। ठीक है, सो लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल जस्ट हम ये कह सकते हैं कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से अपोजिट ही होता है। अब देखिए यहां पर जो आपका लिटिल होता है, या हम बात करें यहां पर आपकी क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, सपोज सबसे पहले हम लिटिल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा फ्यू रहता है निगेटिव, वैसे यहां पर निगेटिव भी आपका जो लिटिल है वो निगेटिव होता है। अब निगेटिव किस तरह से होता है? सपोज ना के बराबर। ठीक है, जैसे उसमें लगभग नहीं था तो यहां ना के बराबर, ना के बराबर हम मानेंगे, ना के बराबर है ये। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम देखें कि देयर इज लिटिल ऑफ हिज सक्सेस ऑफ
सक्सेस, ओके, मतलब उसकी सफलता की उम्मीद नहीं है या फिर ना की बराबर है, ठीक है. सो लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, देयर इज लिटिल ऑफ हिज सक्सेस. ओके, ये हो गया आपका लिटिल के बारे में. द लिटिल की बात करते हैं. ओके, सो द लिटिल मीन्स क्या होगा? द लिटिल मतलब कुछ है, थोड़ा बहुत है हमारे पास, मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है हमारे पास, और ये पॉजिटिविटी है हमारी, ठीक है, पॉजिटिव वे में होता है. सो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब कम ज्ञान होना खतरनाक है, ठीक है. या फिर एक और एग्जांपल देखें, प्लीज गेट मी अ लिटिल ऑफ इट, मतलब कृपया मुझे थोड़ा सा दे दो. मतलब हम यहाँ पर बात करें कि कुछ तो है हमारे पास, या कुछ चीज के लिए हम अगर बोल रहे हैं तो अ लिटिल नॉलेज है हमारे पास, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ओके, सो जो अ लिटिल है वो होता है थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत के यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, ठीक है. अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो बात कर लेते हैं द लिटिल के बारे में, द लिटिल. ओके, सो द लिटिल का मतलब है जैसा कि द फ्यू था, जस्ट उसी के जैसा है, कि अधिक नहीं है और जितना भी है थोड़ा सा पर्याप्त है, सफिशियंट, ठीक है. सफिशियंट के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे द लिटिल की. सपोज द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, ठीक है, द लिटिल मनी आई हैड स्पेंट बाय मी, ठीक है, बाय मी, ओके, इतना लेते हैं. सो यहां पर हम क्या बात करें कि मैंने इस दवा को खरीदने के लिए जो भी थोड़ा धन था, ठीक है, जितना भी धन था वो हमने खर्च कर दिया. सो द लिटिल मनी मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी पैसा था मेरे पास, मैंने उसे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, ठीक है, मैंने उसे खत्म कर दिया, फिर स्पेंड कर दिया. तो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास रहता है, मतलब ये थोड़ा बहुत के लिए यहाँ पर आपको बताएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है आपके पास, जो सफिशियंट है, वहां पर हम द लिटिल का यूज करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास मच एंड मैनी. तो जो मच है वो है क्वांटिटी के लिए, ठीक है, आपको जो क्वांटिटी है उसके लिए प्रेजेंट करता है, ठीक है. और जो मैनी है वो होता है नंबर्स के लिए, ठीक है, नंबर्स जो है आपका उसके लिए आप मैनी यूज करते हो. जो मच है वो होता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है. अब मच मतलब जैसे यहां पर बात करें, देयर इज नॉट मच शुगर, ठीक है, देयर इज नॉट मच शुगर इन द पॉट. ओके, देयर इज नॉट मच, सॉरी, देयर इज नॉट मच शुगर इन द पॉट, ठीक है. तो यहां पर ये हो गया मच क्वांटिटी के लिए बता रहा है. अब हम मैनी की बात करते हैं. तो मैनी में हमेशा याद रखना, मैनी जब भी हम यूज करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर लेडी, तो लेडी नहीं आएगा, लेडीज हम यहाँ पर यूज करेंगे. लेडीज वर स्टैंडिंग इन द हॉल मैनी बुक्स, ठीक है, आई हैव मैनी बुक्स फॉर यू. ओके, सो मैनी और मच सिंपल है, मतलब मच यूज होगा क्वांटिटी के लिए, एंड जो मैनी होगा वो होगा नंबर्स के लिए. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ईच एंड एवरी, ठीक है. सबसे पहले ईच के बारे में बात करते हैं. ईच का प्रयोग होता है जो दो भी व्यक्ति हैं या वस्तु है, उनमें से किसी एक के लिए कहा जाएगा, ठीक है. देन एवरी का प्रयोग होगा बहुत से व्यक्ति वस्तुओं के लिए यहाँ पर यूज होगा. जैसे स्टार्ट करते हैं ईच के बारे में, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज, ठीक है, एवरी मैन शुड डू एक्सरसाइज. नहीं, ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज, ठीक है, एंड ईच बॉय ऑफ द क्लास सॉरी ईच बॉय ऑफ द क्लास रिवाइज्ड ईच बॉय ऑफ द क्लास रिसीव्ड गिफ्ट ऑन द एव ऑफ चिल्ड्रंस डे, ठीक है. तो ईच मैन प्रत्येक, ठीक है, ईच का मतलब होता है हर एक, जो भी व्यक्ति है, दो व्यक्तियों या वस्तु में से किसी एक के लिए यहाँ पर कहा जाएगा. ईच का मतलब होता है सीधा सीधा प्रत्येक. ओके, कि ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज,
चलिए, एवरी ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे. एवरी डे का मतलब होता है कि हर दिन. तो ठीक है, एवरी आप खुद समझ सकते हैं. ईच का मतलब यहाँ पर बात करते हैं प्रत्येक, जैसे कि ईच बॉय ऑफ द क्लास, मतलब हर प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है. और एवरी का मतलब होता है हर एक दिन, या फिर एवरी मैन. ठीक है, हर मैन के बारे में बात करेंगे. एवरी मैन डाइज इन दिस वर्ल्ड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती. सो एवरी एंड ईच का यहाँ पर आप समझ गए होंगे. ठीक है, ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट, मतलब यहाँ पे भी वही बात की जा रही है और एवरी भी वही बात की जा रही है, बस दोनों का अलग अलग सेंस यहाँ पर निकल रहा है. ठीक है, कि ईच का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी के लिए भी हम प्रयोग करेंगे. ठीक है, जैसे ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज, या फिर एवरी यहाँ पर जब यूज करेंगे तो एवरी का मतलब है ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, या एवरी मॉर्निंग, एवरी एवरी मंथ. ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों का इस तरह से यूज होता है. चलिए, इनफ के बारे में भी देख लेते हैं. सो इनफ का जो यूज है वो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, दोनों में ही होता है. ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर दोनों ही टाइप्स में होगा. जैसे आई हैव इनफ, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी टू बाय ऑल द बुक्स. ओके, नेक्स्ट देखें, देयर आर इनफ फ्रूट्स इन द बास्केट. ठीक है, ओके, सो इनफ मतलब पर्याप्त है. इनफ का प्रयोग सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है. ठीक है, दोनों में कर सकते हैं. एंड कुछ और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आई एम टायर्ड इनफ टू हैव अ साउंड स्लीप, मतलब गहरी नींद सोने के लिए मैं काफी थक गया हूं. या फिर ही इज स्टूपिड इनफ टू बिलीव ऑल, वह इतना मूर्ख है कि सबका विश्वास कर लेता है. ठीक है, तो ही इज स्टूपिड इनफ टू बिलीव ऑल. ओके, तो इनफ का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.